स्वास्थ्य और सौंदर्य के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य और सौंदर्य में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भृंगराज पाउडर का पैक कैसे बनाते हैं इसके बारे में। भृंगराज पाउडर बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बालों में भृंगराज पाउडर लगाने से बालों का टेक्सचर स्मूथ बनता है, जिससे रूखे और बेजान बालों में वॉल्यूम आ जाती है। भृंगराज पाउडर बालों की गहराई से कंडीशनिंग करता है, साथ ही डैमेज बालों को रिपेयर करने में भी मदद करता है। भृंगराज पाउडर में एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के अलावा कई सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो बालों को मोटा और चमकदार बनाए रखने में मदद करते हैं। भृंगराज पाउडर के इस्तेमाल से स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होने लगता है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत बनती हैं। भृंगराज पाउडर बालों को एक्सफोलिएट करता है, साथ ही पोर्स को अंदर से क्लीन करता है, जिससे स्कैल्प पर जमी गंदगी साफ हो जाती है और बालों में कुदरती चमक आने लगती है। भृंगराज पाउडर की मदद से हेयर फॉल की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है। तो फिर भृंगराज पाउडर का पैक कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के साथ। इसके लिए एक बॉल में 2 चम्मच भृंगराज पाउडर ले लें। इसके बाद इसमें 2 से 3 चम्मच गुलाब जल डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसे हेयर ड्राई ब्रश की मदद से अपने पूरे बालों में अप्लाई कर ले। 1 से 2 घंटा बालों में लगाए रहने दे, फिर किसी हर्बल या माइल्ड शैम्पू की सहायता से बाल धो ले। बेहतर रिजल्ट पाने के लिए वीक में 2 से 3 दिन इस पैक को जरूर ट्राई करें। भृंगराज पाउडर से बना पैक बालों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। नियमित इस पैक का इस्तेमाल करने से बालों की कई समस्याएं जड़ से खत्म हो जाती हैं, साथ ही बाल चमकदार भी बनते हैं। तो फिर आज अपने इस वीडियो में भृंगराज पाउडर का पैक कैसे बनाते हैं इसके बारे में जाना। आशा है आपको हमारा ये वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। हमारे नए नए स्वास्थ्य और सौंदर्य संबंधी जानकारी को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि इसी तरह हम नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहें। धन्यवाद।